हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय गैजेट। एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप फंक्शन अपना डिक्लेयर कर सकते हो विद इन अ टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। लाइक आप डिफाइन कर सकते हो किस तरीके का आपका पैरामीटर एक्सेप्ट होगा और किस तरीके का आपके रिटर्न करना है एंड ऑल दैट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कैसे आप पैरामीटर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि डबल करता है आपके नंबर को। ठीक है, वेरी सिंपल फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो यूज़र पास करेगा वो वैल्यू पास करेगा एंड जिसकी टाइप जो होनी चाहिए दैट शुड बी अ नंबर। ओके, एंड रिटर्न कर देते हैं वैल्यू इनटू टू। ठीक है, नाउ मैं जब भी इसको यूज़ करूँगा इस फंक्शन को, एंड अगर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल दूँ तो आप देखोगे यहाँ पे वो लाइक डेफिनेटली शो कर देगा कि है ये आप स्ट्रिंग टाइप डाल रहे हो, बट यू सेड दैट देर शुड बी नंबर टाइप ऑफ लाइक डेटा। ठीक है, तो आप उसको नंबर डालना पड़ेगा। यहीं भी आपको एरर बता दिया लाइक कि ऐसे नहीं कर सकते, तो आप अपना 10 डालोगे एंड शुड वर्क फाइन। ठीक है, बट व्हाट अगर आप चाहते हो कि इसका लाइक पैरामीटर ही नहीं साथ साथ इसकी स्ट्रिंग भी डिफाइन हो, मतलब कि रिटर्न भी डिफाइन हो, सॉरी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, बट रिटर्न कैसा होगा वैल्यू, जैसे कि हमने वैल्यू ने टू किया तो हम चाहते हैं कि इस पर वो भी डिफाइन हो कि कैसा होगा, मतलब कि इसका रिटर्न कैसा होगा। तो उसके लिए सिंपली जब जहाँ पर हमारा ये फंक्शन ख़त्म होता है डिक्लेरेशन, मतलब कि ये ब्रैकेट खत्म होता है, उसके बाद आपको सिंपली टाइप कर देना है नंबर, विच मीन्स कि ये इस तरह का रिटर्न करेगा। बट आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हम लिखा मैंने नंबर, तो यहाँ पे एरर इसलिए शो नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न जो कर रहे हैं वो वैल्यू वो भी नंबर ही है। बट लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ, देन आप देखोगे यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, बिकॉज हम रिटर्न जो कर रहे हैं, रिटर्न जो वैल्यू कर रहे हैं अब वो स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं वो एक नंबर है, तो इसको हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग फाइन एंड आपको कोई एरर भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंट्रोल लॉग करता हूँ, कंट्रोल डॉट लॉग, ओके, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंपाइल करना पड़ता है TSC एंड जो भी आपका फाइल नेम है, आपको बाद बताऊंगा उसका पूरा पूरा सेटअप कैसे होगा, बट फॉर नाउ जस्ट ऐसे ही करते हैं मैनुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम डिफाइन ही लाइक देख ही रहे हैं किस तरह के फंक्शन डिफाइन, कैसे फंक्शन डिफाइन होता है, कैसे वेरिएबल डिफाइन होता है, तो आई थिंक इट्स ओके फॉर दैट, इट्स ओके फॉर इट फॉर दैट। सो TSC एंड देन फंक्शंस डॉट TS, हमारा ये आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये जो दिखा रहा है बेसिकली क्या कह रहा है, डुप्लीकेट फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, तो अवॉइड इट, वो अभी बाद में नहीं आएगा, वो बेसिकली इसलिए हो रहा है कि हमने कंपाइल करके सेम फाइल में एक और आ गया ना, ये इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, तो इग्नोर कर सकते हो फिर आगे, मैं बताऊंगा क्या है वो, लाइक सॉल्यूशन क्या है बाद में। नोड डबल नंबर, क्या वो कह रहा हूँ, नोड फंक्शन डॉट जेएस, फंक्शंस डॉट जेएस। ओके, तो यू कैन सी और इसका टाइप जो हमारा स्ट्रिंग होगा डेफिनेटली, बिकॉज हमने यहाँ पे स्ट्रिंग सेंड कर दिया, तो इस तरीके से कर सकते हो। और ये वाला एरर जो है वो बिकॉज ऑफ दिस आ रहा है जो कंपाइल्ड में ही सेम है इसलिए, बट अगर मैं इसको यहाँ से और ये कर देता हूँ, आप देख सकते हो कि एरर चला गया हमारा, तो यू कैन अवॉइड दैट, शुडन बी एनी प्रॉब्लम, देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कीजिए, उसका एक मस्त वाला एक तरीका है, वो बता दूंगा मैं कैसे करना है। बट फॉर नाउ यू गॉट एन आइडिया लाइक हाउ यू कैन डिक्लेयर अ फंक्शन विथ पैरामीटर एंड विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, और इसका अगर स्ट्रक्चर देखना है कैसा है तो वो भी हम यहीं पे बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन होगा, उसके बाद फंक्शन नेम, ठीक है, क्रॉस फंक्शन नेम, एंड उसके बाद हमारा वायर नेम या आर्ग नेम कुछ भी कह सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप, के बाद रिटर्न टाइप एंड सिंपली योर फंक्शन लॉजिक व्हाटएवर यू। ठीक है, कोड, ठीक है, तो
इस तरीके से आप ना लाइक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो विद इन अ टाइप स्क्रिप्ट। नाउ द सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक हमारे पास एक और भी होता है जो कि है वॉइड, रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद हो लाइक सी, आपने कोई सी या कि जावा सी में होता है बेसिकली। अगर ऐसा कोई फंक्शन है जो कि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, उसका काम बस एक बार रन करना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो द वॉइड कीवर्ड जो है आप, ठीक, वॉइड टाइप जो है। तो लेट्स सपोज प्रिंट माई नेम मिनट डाल दिया एंड द वैल्यू शुड बी स्ट्रिंग नेम, ठीक। नाउ रिटर्न के लिए हम इसको वॉइड कर देंगे। नाउ इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं कुछ का और कर देता लाइक स्ट्रिंग एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखें, मतलब तो अवॉइड हो गया। तो आप सिंपली प्रिंट माई नेम को यूज़ कर सकते हो, मतलब भाई ये रिटर्न नहीं कर रहा बेसिकली इन सिंपल वर्ड, ठीक है, आपको पता ही होगा, ठीक है, ज़्यादा बताने की जरूरत ना। उसके बाद एक और होता है नेवर, नेवर इज़ अ काइंड ऑफ सिमिलर, लाइक लगता है लाइक ये वॉइड की तरह है बट इट्स नॉट, मतलब क्या होता है। तो नेवर में क्या करते हैं हम, नेवर में आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना है कीप रनिंग, ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक नंबर एक्सेप्ट करता हूँ, क्या करे ए डाल देते, ठीक है, नंबर, एंड यहाँ पे डालते हैं नेवर। आई विल शो यू द डिफरेंस लाइक इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, बट वेट फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे वाइल ट्रू करेंगे एंड कंसोल लॉग ए, इसका मतलब ये होता है कि हम वो फंक्शन डिफाइन करते हैं जो बेसिकली कभी भी ख़त्म नहीं होता है, मतलब दैट नेवर गिव्स यू अ रिजल्ट, ठीक है, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अब आप कहोगे कि वॉइड भी कुछ रिटर्न नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, वॉइड रिटर्न करता है। अगर आप उसको कंसोल लॉग करोगे तो या तो अनडिफाइंड या नल कुछ रिटर्न करता है, तो वॉइड ऑलवेज रिटर्न समथिंग, बट फंक्शन जो होता है वो डेफिनेटली कुछ रिटर्न नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ चलता रहता है कॉन्स्टेंटली लूप लाइक जो भी है, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक है। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इसका यूज़ होगा कहीं, आई थिंक आप स्टैक ओवरफ्लो पर चेक कर सकते हो, मैंने चेक नहीं किया, तो अगर मिलता है तो कुछ बताता हूँ, ठीक है। बट ये फंक्शन ऐसा होता है लाइक कि जो कभी स्टॉप नहीं होता, मतलब काइंड ऑफ अब तक जो समझ में आया था मुझे देख के, तो वैसे ही कुछ लग रहा है, ऐसे नाम भी उसका वैसा ही है कुछ लाइक इट नेवर स्टॉप समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके हमारे पास चार जो है मेन डिक्लेरेशन हो गए इसमें फंक्शन के अंदर, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, देर इज लॉट मोर देन दिस, इस जो कि फंक्शन में होता है, बट हमारे पास जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप एंड वो सब भी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑब्जेक्ट टाइप के साथ ही कवर कर लूँ। तो हम देखेंगे कैसे इसको कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एंड अरेज जो भी आने वाला है लाइक नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके साथ हम कवर अप कर लेंगे वो फंक्शन में, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ, ओके। तो या दिस इज आई थिंक दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय। एंड आई थिंक अगर आप नया, अगर आप ये देख रहे हो तो आई थिंक आपने सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैकग्राउंड नॉइज में ना लाइक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो या डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवन, एंड डू लेट मी नो इन दिस कमेंट, लाइक लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको वीडियो एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक इसके अलावा क्या चाहिए आपको, डेफिनेटली, ओके। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।